So sup guys, my name is Shana and welcome to my channel. So today we are actually going to be playing God of War, ठीक है ना? तो guys last episode के अंदर हम लोगों ने अपने बच्चे को नहीं बच्चे को नहीं बच्चे को नहीं हम लोग गए थे नरक में और नरक से हम लोग लेके आए हैं पता नहीं एक बंदे का हार्ट, एक गवार इंसान का हार्ट उठा के लेके आए हैं, पता नहीं क्यों बस लेके आए हैं। तो भाई और ऑल्सो गाइस हम लोगों ने एक्चुअली में लास्ट एपिसोड के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी करी थी और मेरा बेटा बीमार हो गया। हाँ और एक्चुअली दो तीन लोगों का एक क्वेश्चन था कि भाई मैं गोस्ट ऑफ स्पार्टा या थ्री या ये गॉड ऑफ वॉर थ्री का जो रिमास्टर वर्जन है वो तो एक्चुअली में है ही पीएस फोर, वो सब ट्राई क्यों नहीं कर रहा। तो एक्चुअली में गॉड ऑफ वॉर गोस्ट ऑफ स्पार्टा टू थ्री जो भी जितने भी हैं ना जितने भी हैं वो सारे एक भी सेंस नहीं बनाते हैं। अब मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि अगर गॉड ऑफ वॉर 4 देख लो ना तो वो है नॉर्स में, जो इससे पहले के आए हैं वो है ग्रीक में। तो आप ना लिटरली इनके अंदर ना कोई भी रेजोनेंस या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखने वाले, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं देखने वाले जिसके अंदर दिखाते हैं कि भाई ये दोनों सीरीज सेम है। मतलब आपको अभी लग रहा होगा भाई ये कुछ अलग ही गेम है ना, मतलब तुम्हारे को यही लग रहा होगा है ना। अब तो लिटरली ये सोच के ही तुम्हारे को अजीब सा लगेगा, क्योंकि क्रेटोस के बाद ना बहुत सारी चीज़ें थी, उसका मोटिव ही अलग था गॉड ऑफ वॉर की जो फर्स्ट गेम आया था उसी से उसका जो मोटिव है ना वो ये था कि उसको सिर्फ ना गॉड्स को मारना है, क्योंकि उसने उन्होंने उनकी पूरी इसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, मदर एक्चुअली स्टेप मदर जो थी स्टेप मदर डेमोस इन सबको एक्चुअली में इतना टॉर्चर किया, इन सबको मारा मूरा, इवन इसके खुद के जो वाइफ वगैरह थे ना जो फर्स्ट वाइफ थी और इसकी दो डॉटर थी उसको भी इस एरिस ने बर्बाद दिया था इसी के खुद के हाथों से। तो अब इतना ज़्यादा उसके बाद ना इसको इतना गुस्सा होगा कि हाँ भाई ये बंदा अपने बाप ज्यूस को मारेगा, जो कि पता नहीं था कि ज्यूस इसका बाप है ना। जितने भी लोग हैं ना सबको मारने का सोच लिया और इसको एलाइज कितने मैंने सिर्फ कुछ ही जो भी थे वो सारे मर गए, जो भी थे वो सारे मर गए, बस एक पेगासस जिंदा है ना, या जो कि एक्चुअली ज्यूस का भाई था है ना, बट उसने नहीं मारा क्योंकि वो था। और क्रोनोस को इसने एक्चुअली में मारा तो सही, बट पेंडोरा बॉक्स और ये सारी चीज़ें तो उसने लेने के बाद मारा है सब है ना, और एटलेस को छोड़ दिया था उसने, बट ऑब्वियसली है ना। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई है, लाइक जो टर्न ऑफ इवेंट्स हुए हैं ना इन पूरे गेम में बहुत सारे अलग है, बहुत सारी अलग चीज़ें। ओ तो जिंदा हो गया, तो जिंदा हो गया भाई साहब, लाइक हम लोगों ने ना लाइक जिंदा होकर मरते हुए लोगों को देखा, हम लोगों ने मरने के बाद जिंदा होते किसी को नहीं देखा, ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं। तो तेरी आवाज इतनी पतली सी क्यों हो गई एकदम से है भाई? वैसे तो मुझे पता है बंदा बहुत ज्यादा चौड़ में, बट कुछ कर नहीं सकते। बहुत ज्यादा चौड़ में है, बहुत ज्यादा चौड़ में है बंदा, मतलब कभी भी कुछ भी कर देता। और गुस्सा जो आता है भाई साहब अलग ही लेवल का गुस्सा है इसका, ये गॉड्स का हेलो अजीब सा नहीं लगता, ये क्या है ये व्हाट इज दिस? अबे लोग हाथ ऐसे पकड़ते हैं कि हैंड शेक होता है, ये एल्बो शेक क्या कर रहे हैं? एल्बो ही कहते हैं ना इसको, जो भी कहते हैं पता नहीं कौन सा पता नहीं शेक कर रहे हैं भाई। इन बहन जी का भी पोर्टल बड़ा अजीब सा है, पोर्टल जाता कहाँ है ये नहीं पता, पर पता नहीं क्या कर रहा है पोर्टल एक्चुअली में, लाइक कोई आइडिया नहीं है भाई मेरे को इस पोर्टल का यूज भी गया इस टाइम पर। सो भाई अभी हम लोग बनने वाले हैं कूल ही। हाँ आई नो यू ओवरहर्ड माय टॉक विद फ्रेया, यू थिंक यू अंडरस्टैंड बट यू डू नॉट, ऑब्वियसली बंदा गॉड है। व्हाई डू यू से नथिंग? हाँ वैसे बंदा पूरे टाइम चिल्लाता रहता है, ऐसे कुछ बोल नहीं रहा है। You think I'm weak because I'm not like you. वो बात नहीं है। It's never what you wanted. But after all this, I thought. क्या हो क्या रहा है? क्या? You do not know everything, boy. No. But at least I. चल क्या रहा है? कौन सा ट्रूथ भाई? बहुत दूर है तू उससे, नहीं दो तीन बार मत बोल, तू पागल हो जाता है वो सोचते सोचते। From another land far from here. Okay, at last सच बोला इसने।
When I came to these shores, I chose to live as a man. But the truth is, I was born a god, and so were you. तो मुझे एक चीज बता भाई, फार अवे लैंड बोलना जरूरी होता है जब तू सीधा सीधा बोल सकता है मैं ग्रीस से हूँ, मतलब लिटरली ये बोलने में शर्म आ रही है तेरे को? Well, yeah, not particularly, but yes. Into an animal. Not particularly, but yes. No. No, I do not think so. देखो जी, ना 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 अभी I'm a god मत कर. She was a god too. No. नहीं. She was mortal, but she knew my true nature. I'm a god. अबे ज्यादा मत कर, तू अभी मर सकता है किसी गॉड के हाथों से. इतना ज्यादा खुश हो रहा है. वैसे जो जिन लोगों के बारे में बंदा पढ़ रहा था, ये खुद ही उनमें से एक है. अजीब सा लगेगा. It can be a lifetime of anguish and tragedy. Okay. भाई वो तेरी लाइफ के साथ हुआ है, तूने और लोगों की लाइफों को उजाड़ा है उल्टा. पता अगर तू नहीं करता ना ये चीजें, तो तेरी लाइफ भी सही चलती और उनकी तो चलती, फिर तू ये चीजें नहीं बोलता. ओ भाई साहब, I do not know the reach of your godhood. But over time, learn. तूने कौन सी एबिलिटी अवेकन करी है गॉड बनकर? ऐसे कौन से झंडे गाड़ लिए तूने और कहाँ गाड़ लिए ये भी बता दियो अगर गाड़े हैं तो. एंड ऑल्सो इस बंदे का जो फाइटिंग स्टाइल है, मतलब गॉड ऑफ वॉर 3 से बहुत ज़्यादा चेंज हो रखा है. मतलब जो इसका लाइक लिटरल फाइटिंग स्टाइल है ना, वो ये था कि भाई वेपन स्विच करो, पहले इसका ब्लेड निकाल लो, इसका ब्लेड निकाल लो, फिर उसके बाद हरक्यूलिस के वो निकाल लो, इसका निकाल लो, ब्लेड ऑफ क्रियोस निकाल लो, एग्जाइल निकाल लो, वो निकाल लो, ये निकाल लो, बस. शील्ड का तो भाई कोई मोटिव ही नहीं था, तुम्हारे को तो डैमेज लगना ही लगना है, मतलब कैसे ना कैसे. अब तुम डॉज कर सकते हो उसको तो कर लो. एंड ऑल्सो ना एक तरीके से कह सकते हो इसका जो व्यू होता था ना, वो ऐसे नहीं होता था, वो ऊपर वाला व्यू होता था, मतलब ऊपर वाला ऐसे तुम्हारे को दिखता था, मतलब इसका सर पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ इसका सर दिखता था, है ना, और थोड़ा बहुत साइड का बस. ऐसे को लगा इसने कुछ और ही बोल दिया, है ना. तो मतलब बहुत ज्यादा फाइटिंग स्टाइल इसके चेंज हुए हैं. एंड ऑल्सो जो एट्रेस है, ये किसी का नाम था एक्चुअल में, द लास्ट सोल्जर ऑब्वियसली. तो और लास्ट सोल्जर को भी इसी ने मारा था, वो इसके ट्रूप का सबसे ज्यादा ब्रेवेस्ट सोल्जर था, क्योंकि वो इसको ना वेपन देने आया था इसके, बट फॉर नो रीजन एट ऑल अंधेरे के अंदर क्या हुआ, उसने इन दोनों ने पहचाना नहीं और ये दोनों फाइट करने लगे. मतलब कितने ज्यादा गवार है, लाइट में चले जाते इससे अच्छा जो बाद में गए. ये टीयर है भाई, कितने सारे गॉड्स हैं इधर. तो भाई आफ्टर 2 साल हम लोग आ चुके हैं नीचे, तो हमारे को जाना है इधर. एक तो भाई पता है गाने ना मेरे कान में लगते हैं, इस वजह से लगता है कि भाई ना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, बट जो मेरी आवाज़ लिटरल में आती है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ आती है लाइक कंपेयर टू लाइक दिस, क्योंकि मेरे कान में जो आवाज़ आती है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है कंपेयर टू व्हाट यू हियर, है ना. अरे क्या हो रहा है, मेरे को लग रहा फ्लेमिंगो है भाई. हाँ एक और आएगी, 2-3 आएंगे और, 2 आएंगे नहीं अब एक आएगी. नेचुरली क्या होना ही था, वो तो लगता है ऐसा होगा नहीं, तुमने समझ क्या रखा है अपने आपको. अब किसी को आना है तो आ जाओ, देखो मेरे पास ना टाइम नहीं है बिल्कुल भी. कहाँ हो, आ भी जाओ. मुझे क्या पता, तुझे पता होगा. मेरे को भी अभी तक उल्टियाँ आ रही हैं उधर जाकर. नहीं ब्लॉक वहाँ पे था नहीं, तूने बहुत ज्यादा मिस किया गवार. जब पता नहीं तो बोलते नहीं है ऐसे, ठीक है. हे भगवान, ये और आज ये चीजें मान. एक मिनट, ब्लेड से कटने की नई निंजा टेक्निक भाई. अब देखो भाई मेरे को इसमें कोई आइडिया नहीं कि मैं मरूंगा कैसे, बट या मैं मर, इतना तो मुझे पता मैं कैसे ना कैसे मरने वाला हूँ, पर कैसे मरने वाला हूँ वो अब बात है कि भाई मैंने इसमें दिख भी नहीं रहा भाई, मतलब लिटरली मुझे लिटरली कोई भी आइडिया नहीं मैं क्या कर रहा हूँ इधर. बट इन्फिनिट आग क्यों लगी हुई है इधर, अब वाओ की क्या बात है भाई, सारे के सारे खजाने खजाने हैं.
भाई इधर तो ग्रीस का भी सामान लगे, ये तो ग्रीस का भी सामान लग रहा है भाई। वो हेलमेट, हेलमेट आई थिंक सो इजिप्ट या ग्रीस का है, लाइक आई एम नॉट श्योर। और व्हाट इज दिस हियर, ओके ब्लेड्स ऑफ क्योस वाला क्रेटोस, या फिर एग्जाइल, या फिर कौन से ब्लेड हो सकते हैं, वो हेडीज वाले, क्योंकि भाई वो हरक्यूलिस वाले तो वो तो शेर के हाथ जैसे, मुंह जैसे, तो वो तो बिल्कुल ऐसे नहीं दिखते हैं। बहुत सारे ब्लेड्स हैं वो भाई इस बंदे ने, पता है ब्लेड ऑफ ओलंपस भी चलाया है, इवन तो आप वो पता नहीं, मतलब ना बस ब्लेड ऑफ ओलंपस ना लास्ट का जो सीन था उसमें इसने ज्यूस को मारा था, मतलब ब्लेड ऑफ ओलंपस, और आई थिंक उसी के साथ उसकी पावर भी ख़त्म हो गई है ना, क्योंकि इसकी होप की पावर तो चली गई थी जितना मुझे पता है ना। और जहाँ तक ज्यूस की बात आती है, ज्यूस ने अपनी आई थिंक अपनी बहुत सारी पावर एक्चुअल में देकर ना उसको बनाया था, क्या कहते हैं ब्लेड ऑफ ओलंपस, मतलब लगभग लगभग 50% वही है, मतलब उसने बनाया है उसको अपनी पावर से, तो ये कह सकते हो है ना। तो आई थिंक उसकी पावर उसकी डेथ के साथ चली गई होगी। अबे यार नौटंकी करना बंद कर, अपने से दो वो नहीं होता भाई, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता पढ़ने को और तुम्हारा अगले दिन टेस्ट रहता है तो तुम क्या करते हो, अपने से दो चार गुना ज़्यादा मोटी बुक खरीद लेते हो और वो पढ़ते हो, ठीक है। वही पंतियाँ कर रहा था ये बंदा अभी। मेरे को इस वजह से पता, गॉड ऑफ वॉर के ना मैकेनिक्स ना लिटरली बहुत सारे अच्छे लगते हैं, मतलब तुम भाई इस मैकेनिक्स को लिटरली देख ही सकते हो, मतलब बस तुम बस देखो इनको, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मतलब भाई लिटरली इतना ज़्यादा मस्त कैसे हो सकते हैं, मतलब भाई अलग ही लेवल के मैकेनिक्स होते हैं इसके, सीरियसली तुम मर जा पहले ऐसा कर, फिर हम लोग देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग। एक मिनट जरा देखे जरा, वैसे इनको ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ता, मतलब कुछ खास तो डैमेज पड़ता नहीं इनको है ना, मतलब भाई मैं ये ना मेरे लिए, मैं लिटरली बता रहा हूँ मेरे लिए तो ना एक तरीके से ये लिटरली ना टॉर्चर टाइप्स है भाई इस टाइम पर ये, मतलब भाई ये क्या है, ये क्यों है, व्हाट द हेल इज दिस भाई, क्यों हो रहा है ये, मतलब क्यों। गाइस सो वी आर बैक टू हेल अगेन, तो अभी हम लोग जा का रहे हैं, नहीं भाई मेरे को फिलहाल दुख हो रहा है तेरे लिए, हाँ तेरे लिए बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, लोग तो आना ही था, मतलब लिटरली मेरे को लिटरली इस टाइम पर लगता है कि मैं क्यों कर भी रहा हूँ, मैं कर भी क्यों रहा हूँ, ये तुम्हारे को ही करनी थी ना ये पंतिया है ना, तुम्हारे को ही करनी थी ना, मैं तुम्हारे को ही देता हूँ ये चीज़ें, लो भाई मैंने ना तुम्हारे मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी है इस टाइम पर, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है। तुझे भी आना है भाई, तुझे भी आना है, आ जा आ जा आ जा, पता नहीं मेरे को गुस्सा आ रहा है भाई, खत्म कर देने मैंने इनकी लाइफ ही को। ओके ये वाला है लास्ट वाला, और इसके बाद अभी हम लोग आई थिंक कर लेंगे। ओके कौन सा वाला है, ओके एट लास्ट, ओह नो यार ये अब वही तो होना है, सन सन राइट में होगा ना, मैंने उल्टा कर दिया यार सीरियसली। सो बस हमारे को अटकाना ही ऐसे इनको है कि हमारे को सन बीच में छोड़ देना है, मतलब सन ऊपर रहना चाहिए है ना, और जो मिडगार्ड है ना उसको लाइक हमारे को ऐसे सेट कर देना है कि वो जो है ना वो बीच में जाए, मतलब जहाँ पे अटका हुआ था ना राइट साइड में नीचे की तरफ, और ये जो मून है ना ये लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ होना चाहिए, और जो मून होगा वो बीच में होगा, तो अपने आप ही मून को अगर आपने एक्शन में लेफ्ट में डाल दिया तो आराम से हो जाएगा, बट इतनी सेंस थी नहीं, मतलब ओ भाई हर गेम में तुम्हारा ये होता है, मतलब अनचार्टेड के अंदर तो फिर भी हमने रोक दिया था उस चीज़ को, हमारे साथ एक बार हुआ था, इधर क्या करने वाला है तू, एक मिनट वो चीज भाई इनका लॉजिक कितना मस्त है, ऊपर से भी वो नीचे आ रहा है, नीचे से भी हम ऊपर जा रहे हैं है ना भाई। सबसे पहले तो इनको काटे, क्या है भाई कर भाई कर, जो करना है कर, हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर मैं तेरे सर वहीं पे फोड़ जाऊंगा। ओ भाई साहब कुछ ज्यादा क्लोज नहीं आ गया,
कुछ ज्यादा क्लोन नहीं आ गया भाई ये, मतलब लिटरली क्या चल रहा है। और मैं इसका लात मारेगा ना, बहुत ही ज्यादा अजीब। तो अब आई थिंक हमारे पास ब्लैक रून आ चुका है, वो रहा नीचे की तरफ, बट ऐसा अकेले तो हो नहीं सकता। नॉट येट ब्रो, एक और भविष्यवाणी। अब तू कहां से चाकू लेके आया? On the day you were born, I made two knives. सिर्फ चाकू ही क्यों? अबे तू सॉर्ड वगैरह क्यों नहीं बनाया तूने? One for myself, and when you were ready, one for you. Today is that day. Okay, one for me and one for you. तो यू वाला किसके पास है? Like you? No. We are not men. हैं? We are more than that. The responsibility. नहीं नहीं men से नहीं, तू तू इंसान है? नहीं, तू मान तू मैन है, वो बच्चा है ना, वो छोटा सा बच्चा है, छोटा बच्चा है वो, ठीक है ना? तू कुछ है, वो कुछ और है, वैसे फर्क तो बहुत ज्यादा है। इसने हेल को एक्सपीरियंस किया, इसने नहीं किया है, मतलब ऑब्वियसली हेल को एक्सपीरियंस करने का मतलब बंदा डेथ को एस्केप करके हेल से वापस आया है ना, जब ये बंदा मर गया था है ना। और ये बन और ये वाले इस वजह से इसने बोला कि नॉट दिस वाला हेल, बट ये पहले ग्रीस के हेल में गया है। ठीक है, वैसे मैं थोड़ा नेट रेस हूँ, मैं क्यों ठीक है बोल? अरे भाई ठीक है बोलना, मुझे वाले सील का कोई लिटरल आइडिया नहीं है। How does this seal even work? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है हार्ट है, मतलब लिटरली ऐसा क्यों लग रहा है हार्ट है किसी का? Like. What? तूने खोल दिया उसको? या तूने no. The rune. Did you see it? Yes. Are you certain? I got it. चलो ठीक है। ओके, ये वाला फायर वाला है। Aim for the face. मार भाई, मेरी हेल्थ रिगेन होती है इससे। आजा आजा। ओके, वो मर गया भाई, मर गया वो, और नहीं मारना। हर बार मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा किसी को नहीं मारना, मैं नहीं बोलता, कमेंट वाले लोग ज्यादा बोलते मेरे, ज्यादा मैं ओवर किल ज्यादा करता हूँ लोगों को। भाई मरा हुआ है फिर भी मार रहा हूँ मैं मजे में। ओके ओके बोरी, ओह भाई मेरा गला खराब हो रहा है। ओके गाइस, सो वी आर हियर, वो भी देख रहा हूँ क्या चल रहा है भाई इधर। लिम्निन वाइन, द आइलैंड ऑफ लिम्नोस, नियर द प्लेस ऑफ माय बर्थ। ओह ये देख रहा है, ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए आजकल के बच्चों को। क्या चल रहा है भाई ये बाप बेटा? ड्रिंक लिंक ड्रिंक शेयर कर रहे हैं, मतलब बताओ तो भाई वो है भी नहीं। टू अ जर्नीज एंड। ओके, स्मेल्स लाइक रॉटन एग्स, इज इट स्टिल गुड? मुझे लगता वाइन कभी भी एक्सपायर होती है। भाई पानी नहीं है, वो ऐसे पीना चाहिए। भाई ऐसा करेगा तू, एटलीस्ट कुछ तो रखता कि हाँ देखो मैं गया था। क्या पन तो भाई तुम दोनों, देखो जब भी ये दोनों एक साथ मिल जाए तब समझ लो बुरी घड़ी तुम्हारी शुरू होने वाली है। क्योंकि देखो ये बंदा तो गॉड ऑफ वॉर रह चुका है एक बार ग्रीस का, मतलब एरिस के मरने के बाद अथीना ने इसको एक बार ऐसे डाल दिया था, क्योंकि ये बंदा खुद ही चाहता था कि भाई मैं मर जाऊं, पर उसने उसको बोला कि मैं तुम्हारे कुछ अच्छा दे देती हूँ। तो गॉड ऑफ वॉर, वी हैव क्रेटोस, तो ये एक बार बन चुका है, बट किसी को एक्चुअल में पता नहीं कि भाई गॉड ऑफ वॉर एक्चुअल में बोला क्यों है। बहुत सारे लोग तो ऐसे मजे मजे में बोलते थे कि हम तो ऑलरेडी गॉड ऑफ वॉर है ना, अगर गेम का नाम ही गॉड ऑफ वॉर है, लाइक कह सकते हो, बट लाइक जब तुम्हारे को पता नहीं है ना इसका कि क्या हुआ है, तब इट डजंट एक्चुअली मेक एनी सेंस, लाइक
तुम ये कह रहे हो कि हाँ भाई हम तो बन चुके हैं, तुम्हारे को पता भी तो होना चाहिए कि कैसे हुआ। बट हाँ एक्चुअल में एरीज वर्सेस जो क्रेटोस हुआ था ना, सीरियसली भाई, भाई अगर तू भी ऐसे बोलने लगेगा उसके साथ तो फिर तो भाई वो तो आम हत्या कहता है, आत्महत्या कर लेगा वो। आम हत्या बोल रहा हूँ भाई, मैंगो किलिंग। चलो जी अभी हम लोग इस वीडियो को इतने रखते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पता नहीं हम लोग जाने कहाँ जा लेते हैं। हाँ हम लोग वहाँ जाने वाले हैं जहाँ पे एक्चुअल में अपना कौन है ये इधर हम लोग जाएंगे जहाँ पे एक्चुअल में पर्टिकुलरली हमारे को मिमेर मिला था, और मिमेर के उधर एक्चुअल में जो गेट है ना वो एंट्रेंस टू द जो भी है, तो उधर जाकर ना हम लोग वो डार्क रून जो भी इसने एब्जॉर्ब करा है ना उसको, वो जो एब्जॉर्ब इसने किया ना, हम लोग उससे योटनहाइम का गेट खोल देंगे मतलब एट लास्ट। बट उसके लिए पहले आई थिंक हमारे को कुछ ना कुछ और भी करना पड़ेगा, बट जितना मुझे पता है मेन मोटिव हमारा यही होने वाला है। एंड ऑल्सो गाइस ये वाला सीन नहीं है जिसमें मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी थी, मतलब ये बिल्कुल भी वाला सीन नहीं है। मैंने स्टोरी कंप्लीट करने के बाद इधर एक्चुअल में बर्फ पड़ रही थी क्योंकि रैग्नारॉक का टाइम आने वाला था, वो वाले टाइम पे मैंने एक्चुअल में ये सीरीज स्टार्ट करी थी। तो ये मत भूल जाना कि मतलब अभी हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं ठीक है ना, तो अभी शुरू के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कर ली, मतलब फॉर एग्जांपल गेटिंग द ब्लैक रूम एंड गिविंग हिम दैट सो दैट ही कैन एब्जॉर्ब हिम। मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है, इसने एक्चुअल में पहले से सोच रखा था कि ये बंदा एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर पता नहीं, बट आई थिंक किसी को पता भी तो होना चाहिए ना, तो अभी तो वो बात है नहीं। तो अभी हम लोग एक्चुअल में बस यहीं से चलते हैं सीधा सीधा, और सीधा चलने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे उस जगह तक जहां तक हमारे को पहुंचना चाहिए। फिर हमारे को जाना द माउंटेन तक, मतलब इस वाले एरिया तक जहां पे इसका मुंह है। पता नहीं इसका मुंह इतना अजीब सा क्यों दिखाया है इधर, बट हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, अगर ये वीडियो अच्छी तो लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसी के साथ मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय।